जवानों की शहादत के बाद एक्शन में आई भारतीय सेना, 24 घंटे में 6 आतंकियों का सफाया कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से कुछ आतंकी हाल ही में हुई आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे, और इसी ऑपरेशन के दौरान एक JCU समेत सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन अब भारतीय सेना ने 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। दरअसल जम्मू के पुंछ जिले में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया था। ये आतंकी LOC पार कर चमरेर के जंगल तक पहुंच गए थे। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ से पहले भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें सरेंडर का मौका भी दिया। हेलो हेलो, यमतर मुजाहिद अंदर चुपस्ते में उसे तो गुजारिश करन, उसे DSP इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नहीं रू नेबर सरेंडर करियो, हथियार तो ये पत्थर अब करियो खड़ा, तो नेबर नहीं तो यू मौक दें कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याज जिंदगी जियो। लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाय फायरिंग जारी रखी, और इसी मुठभेड़ में एक JCU समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में शहीद हुए जवानों में नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सरज सिंह और वैशाख हैज शामिल हैं। शहीद हुए जवानों में 3 जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह और गज्जन सिंह पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन इसके बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन रुका नहीं, वो रुके नहीं, थमे नहीं, लगातार उनका ऑपरेशन चलता रहा, और लगभग 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 5 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 आतंकियों का सफाया कर दिया गया। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। अनंतनाग के साथ ही बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया, और इस एनकाउंटर में भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई थी, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। शोपिया में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, और कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, और इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और अब भारतीय सेना के जवानों ने 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। देखना होगा कि आगे सेना का ये ऑपरेशन कब तक चलता रहेगा, और घाटी से आतंक का सफाया कब तक होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।